नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय खत्री। मैं डॉक्टर दीपिका। दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान की ओर से एक नए एपिसोड में फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक और विषय के ऊपर जिसका नाम है अस्थमा। अस्थमा क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है और इसके लक्षण क्या है, और किस प्रकार सिर्फ घरेलू उपायों के द्वारा हम इस पर काबू पा सकते हैं, इसी के बारे में आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन अस्थमा के बारे में और जानकारी लेने से पहले हमें अपने नॉर्मल रेस्पिरेशन को समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं। नोज के थ्रू हम जो भी एयर इनहेल करते हैं, यही एयर सबसे पहले हमारी ट्रांसफर होती है हमारी विंड पाइप यानी ट्रैकिया के अंदर, और यही विंड पाइप में आने के बाद ये एयर ट्रांसफर हो जाती है हमारी ब्रोंकाइज में, जो इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो एयर का, वो आता है ट्रांसफर होता है हमारे एल्वियोलाइज में। एल्वियोलाइज या एयर सैक में क्या होता है, ऑक्सीजन जो आपके एल्वियोलाइज में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड वेसल से एल्वियोलाइज में चली जाती है। वहां से जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कहते हैं। आइए बात करते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा की अगर हम बात करें तो यह आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक या श्वास प्रणाली को अफेक्ट करने वाला एक डिसऑर्डर है। बिल्कुल, या यू कहे कि एक प्रकार की एलर्जी है। और एलर्जी कोई बीमारी नहीं होती, इसके होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। आइए सबसे पहले इसे ही जानते हैं। और एलर्जी के कारणों को जानने के लिए आइए मदद लेते हैं एक फ्लो चार्ट की। इसमें सबसे पहले आता है एक्सरसाइज, पॉलन ग्रेन्स, बग्स इन होम, कूल एयर, डस्ट। इसके अलावा पेट, स्ट्रेस, एंगर, पोल्यूशन और स्मोकिंग। आइए कारणों को अब थोड़ा विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। जी हाँ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, और उसी ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी सारी मसल्स श्रिंक होती है, और इसी कंस्ट्रक्शन में हमारी एक मसल्स होती है हमारी ब्रोंकियल्स की मसल्स। डेफिनेटली जब इन मसल्स की कंस्ट्रक्शन होती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है, इसी को हम बोलते हैं EIB यानी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। दूसरे बड़े कारण की अगर बात करें तो उसमें आता है मानसिक तनाव या घबराहट। देखिए, जब हमारे अंदर घबराहट होती है तो होता क्या है, आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के नर्व्स को वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मसल्स की कंस्ट्रिक्शन होती है, और उन्हीं में से एक मसल्स है आपकी ब्रोंकियोल्स की स्मूथ मसल। और जब स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन होती है तो होता क्या है कि आपको सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है ड्रग इंड्यूस्ड एस्मा। इस ड्रग इंड्यूस्ड एस्मा में क्या होता है, बेसिकली ये दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण होता है, जैसे एस्प्रिन या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसमें बेसिकली हम पेन किलर्स को रखते हैं, या बीटा ब्लॉकर। ये क्या करते हैं, बेसिकली हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एक इंफ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिसके कारण वहां स्वेलिंग हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ये भी बहुत बड़ा कारण है अस्थमा का। और दूसरे बड़े कारण की बात करें तो उसमें आता है इन्फेक्शन, और अस्थमा के अंदर वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। छोटा मोटा जुखाम यानी कि वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से होता क्या है कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सूजन आ जाती है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, और जिससे एलर्जी के सिम्टम्स पैदा होते हैं, आपको सांस लेने में परेशानी होती है। और एक बहुत अहम कारण है, वो है हाउस डस्ट माइट, या यू कहें हाउस डस्ट माइट और इंसान का जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, क्योंकि इंसान की स्किन पील ऑफ होती है, और इनको पनपने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन स्किन और ह्यूमिडिटी, और वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन सबसे अहम कारण यह कि इंसानों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये इतने माइन्यूट होते हैं, इतने माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि ये हम आंखों से देख ही नहीं पाते, और यही कारण है अस्थमा के पनपने का। सिर्फ इंसान के ही नहीं, यहाँ तक कि पेट्स, पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता बिल्ली जो हमारे घर पे होते हैं, उनकी डेड स्किन की वजह से भी एलर्जी के सिम्टम्स पैदा होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा अस्थमा का कारण है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस जैसे डिओड्रेंट्स या फिर धूप बत्ती, अगरबत्ती,
इसके साथ साथ आजकल बहुत यूज हो रहा है मॉस्किटो रेपेलेंट। ये बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी मसल्स में कंस्ट्रिक्शन पैदा कर देते हैं, और अगर मसल्स में कंस्ट्रिक्शन पैदा होती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ये भी बहुत बड़े कारण है इस अस्थमा को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान और पोल्यूशन अस्थमा का एक बहुत बड़ा कारण है। आइए अब देखते हैं कि ये सभी फैक्टर्स किस तरीके से अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, और इन्हें जानने के लिए हमें सहारा लेना होगा एक और फ्लो चार्ट का। देखिए होता क्या है कि ये एलर्जन जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो एक स्पेशल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और उन्हीं स्पेशलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स का एक बड़ा हिस्सा है आईजीई एंटीबॉडी। ये आईजी एंटीबॉडी करता क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स के एक और सेल मास्क सेल के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ मिलकर एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इसी की वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि हिस्टामीन्स, साइटोकाइंस, ल्यूकोट्रेंस। ये केमिकल्स आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन की इनर लाइनिंग के अंदर सूजन पैदा करते हैं जिसकी वजह से अस्थमा के सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कि एक नॉर्मल ब्रोंकियल्स और जब हमें अस्थमेटिक अटैक आता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। इसकी बेहतर जानकारी के लिए एक और फ्लो चार्ट का हम उपयोग करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा नॉर्मल एयरवे यानी नॉर्मल ब्रोंकियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसके इनर लाइनिंग है और जो आउटर लाइनिंग है ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है और इसका जो पासेज है वो भी काफी ब्रॉड है। लेकिन जब हम एक इनिशियल ट्रिगर जब होता है तो क्या चेंजेस आते हैं और एक एक्सट्रीम कंडीशन में क्या चेंजेस आते हैं, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ये देखिए, यहाँ पे क्लियर होता है कि ये यहाँ पे स्वेलिंग कॉज कर रहे हैं और इसका जो डायमीटर है वो नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी पाथ नहीं बचा हुआ है, तो इसी कंडीशन में बेसिकली हमें सांस लेने में या बेसिकली हमें चेस्ट में कंजेशन महसूस होती है, और इसी को हम बोलते हैं अस्थमा। तो अभी तक हमने जाना अस्थमा को मॉडर्न तरीके से, आइए अब जानते हैं हमारा आयुर्वेद अस्थमा के बारे में क्या बोलता है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर इसको देखते हैं तो जो भी इसके निदान के कारक होते हैं यानी आहार और विहार, ये क्या करते हैं, ये हमारे कफज दोष को इंक्रीज कर देते हैं, और यही कफज दोष हमारे प्राणवाहक स्रोतस में अवरोध पैदा करता है, और ये अवरुद्ध प्राणवाहक स्रोतस हमारे वात यानी हमारी वायु के जो एक नॉर्मल उसका रूटीन है ट्रैवलिंग का उस पर रिवर्स कर देता है, और इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम वायु। और यही बात आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस पैदा करता है, और इसी ड्राइनेस की वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। आयुर्वेद के हिसाब से या आयुर्वेद के अनुसार इसके चार प्रकार होते हैं, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास और तमक श्वास। आइए अब जानते हैं अस्थमा के मरीजों के लक्षण क्या होते हैं। एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि सबसे पहले आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में या छोड़ने में हमें सीटी जैसी आवाज महसूस होती है। इसके अलावा अस्थमा के मरीजों को रात को सोते वक्त ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि सोते वक्त क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी में स्पेस कम हो जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, बलगम बढ़ जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि इस बलगम जो है बहुत लंबे समय तक लगातार बना रहता है। इसलिए छोटे छोटे सर्दी या खांसी जुकाम को इग्नोर ना करें, क्योंकि जब आपको सर्दी या खांसी होती है तो सबसे पहले आप एंटी एलर्जिक्स लेते हैं जो हमारे कोल्ड के सिम्टम्स को सप्रेस कर देती है, लेकिन साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, और कोल्ड के सिम्टम्स सप्रेस होने से प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि नेजल पॉलिप्स, साइनसाइटिस एंड इवन अस्थमा। आइए अब बात करते हैं अस्थमा से बचने के लिए कुछ घरेलू उपायों को। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कप में एटलीस्ट आधा कप आपने दूध मिलाना है। इस आधे कप दूध में कुछ पत्तियां आपने अमरूद की, बेसिकली अमरूद की पत्तियां डालनी है। एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, या आधा
काली मिर्च का पाउडर मिलाना है, थोड़ा कटा हुआ अदरक और 5 से 6 तुलसी के पत्ते। इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लें और इसको उबालने के लिए रख दें। जब ये मिश्रण उबल उबल कर 1/4 रह जाए, इसको छान लें और इसी का सेवन सुबह शाम कीजिए, आपको अस्थमा में बहुत लाभ मिलेगा। आप एक आंवला लीजिए, उसका रस निकालिए और 1 चम्मच आंवला के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम उसका सेवन कीजिए। आप देखिए ये आपको कितना फायदा करता है। एक और घरेलू उपाय जो बहुत ही कारगर साबित होगा, आइए इसको भी जानते हैं। आपने करना क्या है, 1 गिलास पानी लेना है, इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ी अदरक, 5-6 छोटी इलायची, 1 पार्ट कच्ची हल्दी का, थोड़ी सी दालचीनी, अगर हो सके तो 5 से 6 लौंग भी डाल सकते हैं, और लगभग 30 ग्राम के करीब इसमें चीनी भी मिला लें। इसको अच्छी तरीके से मिला लें और मिलाने के बाद इसको उबलने के लिए रख दें। जब ये मिश्रण उबल उबल कर 1/4 रह जाए तो इसे छान लें और इसका सेवन कम से कम 1 से 2 महीने कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अस्थमा में चमत्कारी लाभ मिलेगा। इसके अलावा जितना हो सके आप अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पपीता, संतरा, मूली और ड्राई फ्रूट्स में अंजीर और बादाम का सेवन करें, क्योंकि ये सब चीजें जब आप खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और भी बेहतर हो जाएगा और वो आपके अस्थमा की रोकथाम के लिए बहुत कारगर है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें भविष्य में इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहने के लिए प्रेरित करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।